खबर इटावा से है, जहां पर थाना सैफई तथा थाना वैधपुरा के संयुक्त प्रयास से एक वांछित 25,000 का इनामी अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान थाना वैधपुरा पर नियुक्त आरक्षी जॉनी कुमार भी घायल हो गए। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, इटावा में और आसपास के जनपदों फतेहगढ़, औरैया और कन्नौज में तथा मैनपुरी में बड़ी बड़ी चोरी की वारदात या लूट की वारदात हो रही थी। उसमें इटावा पुलिस को पिछले दिनों में 14 दिसंबर को सफलता मिली थी, जिसमें 3 मुलजिम जेल भेजे गए थे। उसी गैंग का एक सदस्य था अमीन, जिसमें एक ओमिनी वैन और तमाम हमारी रिकवरी हुई थी, लाखों का 20 लाख का लगभग रिकवरी हुई थी, उसमें सोना और कैश लेकर के। उसमें अमीन बराबर वांछित चल रहा था और आपको याद होगा 12 और 13 11 2023 दीपावली के ठीक एक दिन बाद रोडवेज डिपो जो वहाँ पर है सैफाई में, उसमें तिजोरी की चोरी की घटना हुई थी। उसमें से भी ये वांछित चल रहा था। बकेवर में चोरियाँ कई हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था। और फतेहगढ़ जनपद में भी जो घटना हुई थी उसमें भी वांछित चल रहा था। और ये रहने वाला भिंड का है और यहाँ जो गैंग गया था पहले, जिसमें आधा गैंग जेल गया था, उसका रिश्तेदार है। उसमें पुलिस की टीमें लगी हुई थी बराबर जो है। तो थानाध्यक्ष बैतपुरा को एक टिप ऑफ मिलता है, उसके आधार पर थानाध्यक्ष बैतपुरा सर्विलांस एसओजी की टीम हमारी, साथ ही साथ इंस्पेक्टर सैफई की टीम मिल करके जो है एक संयुक्त अभियान चला करके एक मोटरसाइकिल जो की जो है नगला बनी जो पुलिया है उसके पास सूचना मिलती है, उसका पीछा करती है। तो पुलिस पर वो जो है मोटरसाइकिल सवार बदमाश फायर करता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप आत्मरक्षार्थ पुलिस भी फायर करती है, जिसके उसके पैर में गोली लगती है। और एक पुलिस जो हमारा है जानी नाम का एक सिपाही, उसको भी चोटें लगी हैं इस फायरिंग के दौरान। तो इस प्रकार से ये मुलजिम जो है उस आवश्यक बल लगा के फिर गिरफ्तार किया गया है, जैसा इसका उपचार भी कराया गया है। इसके पास से तमंचा और मोटरसाइकिल, 315 बोर कारतूस, खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही साथ इसमें वांछित था 25,000 रुपए का इसमें इनाम भी था, जिसको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक इसने कितने जुर्म किए हो, क्या कुछ कबूला है? इसने सारे स्वीकार किया। उसने बताया कि जो इकरार जो इस गैंग का लीडर था उसके अंडर में ये काम कर रहा था, तथा भिंड में तथा विभिन्न प्रकार के जो जनपद है हमारे, कन्नौज, इटावा, औरैया और फतेहगढ़, ये लोग जब भी घटना करते हैं तो वहां पर बहुत ही ज्यादा दाम लगाकर किराए का मकान लेते हैं। जो अगर मान लीजिए किसी का 1,000 रुपये किराए का किराया है, तो वहाँ पर 3,000 रुपये किराया देते हैं और चंद दिनों के लिए लेते हैं ताकि घटना को अंजाम दे सकें। और तमाम घरों को, जो बड़े बड़े घर होते हैं जिनमें आउटस्कर्ट्स होते हैं, जहाँ पैसा ज़्यादा मिल सकता है, सोना चांदी ज़्यादा मिल सकता है, उसको टारगेट करते हैं। इसके खिलाफ 11 अभियोग दर्ज हैं। भिंड जनपद का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का, और ये एक साथी अपराधी है। किसी तरह का इनाम भी है इसका, 25,000 रुपये का इनाम। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।